उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज की ये वीडियो ख्वाब की ताबीर के ताल्लुक से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे ख्वाबों की ताबीर बयान करने वाले हैं जिनकी ताबीर आप इधर उधर तलाश करते हैं। इस वीडियो में हम 20 जानवरों के गोश्त को ख्वाब में देखने और उन जानवरों के गोश्त को ख्वाब में खाने की ताबीर बयान करने वाले हैं। बहुत अहम और बहुत इंटरेस्टिंग बहुत ज़रूरी वीडियो ये होने वाली है, इसलिए आप वीडियो पूरी देखें, इसको छोड़ें ना। और ऐसे ही हमारी वीडियो कम से कम अगर आप ये चाहते हैं कि ये ताबीरें दूसरे दीनी भाइयों तक भी पहुँचें तो 5 लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो देखने के बाद लाइक किया कीजिए। और आपके लिए हमारे पास एक खुशखबरी ये है कि हमने अपने इस चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है फ्राइडे कमेंट बॉक्स। फ्राइडे को आपके तमाम ख्वाबों की ताबीर जो भी आप कमेंट्स में हमसे मालूम करते हैं वहाँ से हम उठा करके फ्राइडे की वीडियो में देते हैं। आप भी अगर हमसे कुछ मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना ख्वाब अपना सवाल लिखिए और नाम लिखते हुए ये ज़रूर बताइए कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ख्वाब में कच्चा गोश्त खाने की ताबीर क्या होती है? ख्वाब में कच्चा गोश्त खाने का मतलब क्या होता है? इसकी ताबीर और इसका मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाले को माल और दौलत रंज और मुसीबत से हासिल होगा। माल और दौलत हासिल करने के लिए इसको जिद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 2, ख्वाब में पक्का गोश्त खाने की ताबीर और मतलब क्या होता है? इसकी ताबीर यह है कि माल और मनफात और दौलत इस बंदे को ख्वाब देखने वाले को सहूलत और आसानी से मिल जाएगी। नंबर 3, ख्वाब में इंसान का गोश्त अगर कोई खाते हुए देखे तो उसकी ताबीर क्या है? इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला गीबत करता है, इंसानों की मजलिसों में बैठ कर के एक दूसरे भाई की गीबत करता है, इसलिए उसको इस तरीके का ख्वाब नज़र आया, उसको गीबत से बाज आ जाना चाहिए, गीबत छोड़ देनी चाहिए, गुनाह कबीरा है। नंबर 4, ख्वाब में बकरी का गोश्त खाने की ताबीर। ख्वाब में अगर कोई बकरी का गोश्त खाए तो उसकी ताबीर यह है कि माल और नेमतें इसको मिलने वाली हैं। नंबर 5, ख्वाब में सांप का गोश्त खाने की ताबीर ये होती है कि जितना गोश्त सांप का खाया है उतना ही दुश्मन का माल लेगा और उसको इस्तेमाल करेगा। नंबर 6, ख्वाब में घोड़े का गोश्त खाने की ताबीर ये होती है कि मखलूक में नेक नामी हासिल करेगा, मखलूक के दरमियान इज्जत और मकाम और मर्तबा हासिल करेगा, लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत होगी। नंबर 7, ख्वाब में ऊँट का गोश्त खाने की ताबीर होती है कि यतीम का माल खाएगा और बीमार पड़ेगा, लेकिन बीमारी मामूली होगी, जल्दी उस बीमारी से शिफा याब हो जाएगा। नंबर 8, ख्वाब में हरन का गोश्त खाने की ताबीर ये होती है कि खूबसूरत औरत से माल हासिल करेगा और हलाल तरीके पर किसी औरत के ज़रिए से इसको माली मनफात और माली फ़ायदा हासिल होगा। नंबर 9, ख्वाब में चीता का गोश्त खाने की ताबीर होती है कि लड़ाई में नाम पाएगा और इज्जत पाएगा, अपने दुश्मन को मगलूब कर देगा और ये ख्वाब देखने वाला खुद जीत जाएगा। नंबर 10, ख्वाब में चिड़िया जो छोटा सा परिंदा होता है उसके गोश्त खाने की ताबीर होती है कि किसी दौलतमंद से या अपने किसी बेटे से जितना चिड़िया का गोश्त खाया है उतना ही माल हासिल करेगा। नंबर 11, ख्वाब में हाथी का गोश्त खाने की ताबीर होती है कि जितना गोश्त खाया है हाथी का ख्वाब में उतना ही इसको बादशाह से माल हासिल होगा। नंबर 12, ख्वाब में गधे के गोश्त खाने की ताबीर होती है कि हराम माल खाएगा। नंबर 13, ख्वाब में खरगोश
का गोश्त खाने की ताबीर होती है कि किसी औरत से माल पाएगा और या इसी तरीके पर उसको वरासत में से अच्छा खासा माल मिलेगा। नंबर 14, ख्वाब में शेर का गोश्त खाने की ताबीर होती है कि कारोबार में अपनों ही से झगड़ा करेगा, कारोबार के सिलसिले में, कारोबार के बारे में अपने ही लोगों से इसकी लड़ाई और झगड़े की नौबत वाकई होगी। नंबर 15, ख्वाब में गाय का गोश्त खाने की ताबीर होती है कि हलाल माल हासिल करेगा। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसने गाय का गोश्त खाया है या गाय का गोश्त देखा है तो उसकी ताबीर ये है कि हलाल माल हासिल करेगा। नंबर 15, ख्वाब में कबूतर का गोश्त खाने की ताबीर होती है कि बीवी से माली फायदा होगा, अपनी बीवी से इसको माली फायदा हासिल होगा। नंबर 17, ख्वाब में मछली का गोश्त खाने की ताबीर होती है कि अपनी बीवी के माल से कुछ हलाल तरीके पर खाएगा और बीवी इसकी अपने माल के जरिए से खिदमत करेगी। नंबर 18, ख्वाब में खिंजीर सुअर का गोश्त खाने की ताबीर होती है कि ख्वाब देखने वाले की आमदनी हराम है। अगर कोई ख्वाब में खिंजीर या खिंजीर का गोश्त देखे या खाए तो फिर इसकी ताबीर ये है कि इसको अपनी आमदनी के सिलसिले में गौर करना चाहिए, कहीं इसकी आमदनी में कहीं से हराम की आमेजिश तो नहीं हो गई, नाजायज कोई माल इसके पास तो नहीं आ गया। ऐसे ही इसको अपने गुनाहों से भी तौबा करनी चाहिए, अच्छा ख्वाब नहीं है। नंबर 19, ख्वाब में भैंस का पका हुआ गोश्त खाने की ताबीर ये होती है कि रिस्क आसानी से और खूब कसरत से मिलेगा, और जिस साल ख्वाब देखा है इसी साल इसकी ताबीर इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। अगर ख्वाब में भैंस का गोश्त खाया है तो ज्यादा माल और आसानी के साथ मिलेगा। नंबर 20, ख्वाब में बैल का गोश्त खाने की ताबीर क्या होती है? अगर कोई बंदा ख्वाब में बैल का गोश्त खाए तो उसकी ताबीर ये, यानी गाय का जो नर होता है, तो उसकी ताबीर ये है कि इसी साल इसको हलाल माल हासिल करेगा होगा और ख्वाब देखने वाले को खूब दुनियावी मालो मनाल और मनफात हासिल होगी। दोस्तों, हमने बहुत मेहनत से आपके लिए ये 20 ख्वाब छांटे हैं और आपके सामने हमने पेश किए हैं। आप अगर ये चाहें कि ये बेहतरीन ताबीरें और ये ख्वाब आपके दूसरे भाइयों तक पहुँचें तो कम से कम 5 लोगों तक वीडियो शेयर किया कीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।